समीक्षा को लेकर परमंडलीय आयुक्त पहुंचे बक्सर, अधिकारियों और जनप्रतिनिधि के साथ की बैठक, दिए दिशा निर्देश। आगामी निर्वाचन की तैयारियां समीक्षा को लेकर बुधवार को पटना परमंडलीय आयुक्त श्री रोविट एल चोगत्तू बक्सर पहुंचे। बक्सर पहुंचने के साथ ही उन्होंने सभा कक्ष में डीएम राघवेंद्र कुमार सिंह, डीडीसी अरविंद कुमार बक्सर, एसडीओ के उपाध्याय डूमराम, एसडीओ हरेंद्र राम सहित तमाम अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक में उन्होंने निर्वाचन की तैयारियों पर चर्चा की और कई अहम दिशा निर्देश जारी किए। प्रमंडलीय आयुक्त के आने को लेकर प्रशासनिक महकमे में काफ़ी गहमगहमी का माहौल रहा। प्रमंडलीय आयुक्त ने निर्वाचन सूची से लेकर आगामी निर्वाचन की प्रक्रिया तक पर गहनता पूर्वक चर्चा की और इससे संबंधित तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया। घंटों चली इस बैठक के दौरान जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों ने एक एक कर अपनी बातें प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष रखीं, जिसे प्रमंडलीय आयुक्त ने गंभीरतापूर्वक सुना और उससे संबंधित सुझाव और पहल पर जोर देते हुए त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि निर्वाचन संबंधी तैयारियों को लेकर मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है उसी को लेकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ और सभी के साथ बैठक कर जो भी कमियाँ होंगी उसे जल्द से जल्द दूर करने का विचार विमर्श किया जा रहा है। कोशिश यही है कि जल्द से जल्द निर्वाचन संबंधी तमाम तैयारियों को पूरा कर लिया जाए ताकि आने वाले दिनों में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रह जाए। निर्वाचन सूची से लेकर निर्वाचन की प्रक्रिया तक में आने वाली तमाम बारीकियों पर गहनतापूर्वक चर्चा की गई और नियत समय में सभी कार्यों को पूरा करने पर बल दिया गया। दायित्व मिला है कि आपको भी एक जिला स्तर से जाके इस तरह से समीक्षा करके काम का निरीक्षण करना है, तो इस संबंध में जहाँ तक आप लोग का भूमिका का सवाल है, आप लोग बीएलए के साथ हमारे बीएलओ का मीटिंग कराना था और उसमें सारे मुद्दा पर चर्चा करना था, तो मैं जानना चाहूँगा डीएम साहब को बता दीजिएगा कि इस तरह का काम अभी कहाँ तक क्या हुआ है, कहने लगे फिर आप लोग से भी हम सुनना चाहेंगे। डिप्टी इलेक्शन